हेलो बच्चों, क्लास नागरिक शास्त्र का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 9, शहरी क्षेत्र में आजीविका। इसे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, लोग आजीविका मतलब कैसे, किस प्रकार से। अपनी आजीविका कमाते हैं, जिंदगी चलाते हैं, क्या क्या साधन है उनके आय के। तो गांव में हमने पढ़ा मत्स्य पालन है, कृषि करना है, इस प्रकार से अनेक कार्य हैं। शहरी क्षेत्र में भी, जो भारत में लगभग 5000 से ज़्यादा शहर हैं, 27-28 महानगर हैं, प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, कार्य भी करते हैं। शहर में ज़िंदगी कभी नहीं रुकती, तो देखते हैं शहर में क्या कार्य होता है। ये आपके सामने चित्र बना हुआ है, शहरी जीवन देख रहे हैं आप। जो जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, जो है फलों की रेड़ी है, चाय की दुकान है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई नाई है, इस प्रकार से अनेक दुकानें यहाँ पर हैं। कुछ लोग सड़कों पर भी काम करते हैं, जैसे आपके सामने ये चाय की दुकान है, फलों की दुकान है, इस प्रकार से कोई झाड़ू लगा रहा है। तो ये जो है बहुत बड़ा शहर है, इसके बारे में बता रहे हैं। ये कोई कहते हैं कि प्रातःकाल ही घर से जो मौसेरी बहन थी, शहर में किसी की मौसेरी बहन थी, तो वो घूमने के लिए आई, सड़क देखने के लिए निकली घूमने के लिए। तो वहाँ पर देखा है कि काफ़ी चहल पहल होती है, सब्जी बेचने वाले क्या क्या सब्जियाँ बेच रहे हैं, जैसे रेहड़ी पर गाजर खीरे वगैरह बेच रहे हैं, फूल वाली बैठी है, फूल बेच रही है। तो इस तरह से दूसरी तरफ जो है व्यक्ति चारों तरफ से घिरे हुए, जो अखबार बेच रहे हैं वो भी, बसें जोर जोर से हॉर्न बजाकर गुजर रही है, वहाँ से ऑटो रिक्शा है, उसमें स्कूल के बच्चे जो है भरे हुए हैं बिल्कुल फुल। पेड़ के नीचे एक टीन के बक्से में से कोई मोची सामान निकाल रहा है, नाई का काम कर चुका है, कोई दाढ़ी बनवा रहा है उसके पास, इस प्रकार से। वहीं एक व्यक्ति जो है घर घर सब्जियाँ बेचने के लिए साइकिल पर निकल रहा है। अब रिक्शे वाले भी, एक जो रिक्शे वाले खड़े हैं एक जगह, वो अपने ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। शहर में मांझी की भांति बहुत से लोग सड़कों पर काम करते हैं, चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं, कोई सेवा देते हैं, इस प्रकार से कोई कार्य करते हैं। उन्हें कितना माल कहाँ से खरीदना है, कितना कहाँ से खरीदना है, अपनी दुकान लगानी है। ये दुकानें क्या होती हैं, अस्थाई होती हैं, क्योंकि जो है ये जो है सुबह लगती हैं और शाम को उठ जाती हैं, तो फिर ये कहीं पर और लगाते हैं। तो कभी कभी टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों में, बॉक्स पर कागज़ फैला कर अपनी दुकान बना लेते हैं, खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा लेते हैं, तो उस प्रकार भी ये दुकान चलती हैं। पुलिस कभी इनकी दुकान हटाने को कहती है, क्योंकि इनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। ठेले वाले भी अपनी जो चीज़ बेचते रहते हैं वो इधर उधर, उनकी कोई स्थायी दुकान नहीं होती है। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं उनको। जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वे ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। तो जो कहानी बच्चू मांझी की है, रिक्शा वाला है, बिहार से आया है, मिस्त्री का काम करता है, करता था गाँव में। उसकी एक बीवी और 3 बच्चे गाँव में रहते हैं, क्योंकि उसके पास जो ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्री का काम लगातार उसे नहीं मिलता था, जो कमाई होती थी उससे क्या होता था कि उसका पूरा गुजारा नहीं होता था। फिर उसने क्या किया, शहर आया, एक रिक्शा खरीदा और उसका पैसा जो है किस्तों में चुकाया। प्रतिदिन वह बस स्टॉप पर पहुंच जाता, ग्राहक जहां भी जाना चाहते उसे छोड़ जाता, फिर रात को 8-9 बजे तक वह रिक्शा चलाता। 6 किलोमीटर तक वह रिक्शा चला लेता था एक कॉलोनी में, तो 5-10 रुपये तक उसे मिल जाते थे। उसका स्वास्थ्य भी फिर इससे बिगड़ गया, क्योंकि वह पूरी कमाई नहीं कर पाता था। वे सब किराए के मकान में रहते थे अपने दोस्तों के साथ, इस प्रकार से किराए में भी खर्च हो जाते थे उसके 50-60 रुपये, 80-100 रुपये तक उसकी दिहाड़ी बनती थी। साल में केवल वह 2-3 बार ही अपने परिवार से मिलने जाता था। जो पैसा भेजता था अपने परिवार के पास, उसी में उसका परिवार गुजारा करता था।
तो इस प्रकार से एक बच्चू मांझी की कहानी है जो गांव से आया और शहर में उसकी हालत क्या हो गई। बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपको चैप्टर यहाँ तक रीड करना है।